आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। गवार किसको बोला तूने? चौल में तुम ही रहती हो ना, तो तुमको। बीजो कौन है? अरे वाह सेठानी, हमारे चौल में आके तो हमें गवार बोलती है। रुक, मैं तुझे दिखाती हूँ। क्या दिखाएगी तू मुझे? क्या दिखाएगी? देखिए कृपया आप लोग शांत हो जाइए। क्या है तुम्हें? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? भगवान ने आंखें नहीं दी है? क्या बोला? आंखें नहीं दी मतलब तूने मुझे अंधे बोला? ए राशि, तू भी इसी चौल में रह के बड़ी हुई है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, पर पैसे के खर्च ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। ए मेरे घर के पैसों का नजर मत लगा वरना मैं। वरना क्या? बोल बोल ना। भाभी मेहरबानी करके मत झगड़िए, राशि पे चुप हो जाइए। मेहरबानी करके शांत हो जाइए, मत लड़िए। अरे शांत हो जाइए। बंद कीजिए ये लड़ाई झगड़ा। जी कृपया शांत हो जाइए, हाथापाई मत कीजिए। मैं ये गोपी ऐसे ही स्लो मोशन में रस्सी खोलती रही तो पक्का मम्मी की टीम जीत जाएगी। राशि चल अब दिखा दे तू अपना कमाल। जल्दी कर वरना वो लोग जीत जाएंगे। जल्दी कर, जल्दी खबर पड़ी गई, ये किसके करतूत है? गोपी जल्दी। शीली जी माजी, रस्सी हमने आखिरी पहेली भी सुलझा दी है। राशि जब हारने लगी तो बेईमानी पे उतर है। आप क्या बोल रही है सविता आंटी? मैंने अपनी आंखों से देखा है तू झाग वाली बाल्टी लेके भाग रही थी। ये तो सरासर बेईमानी है। सविता बेन कृपया आप शांत रहिए, निर्णायक मैं हूं। मैंने भी अपनी आंखों से देखा कि राशि ने वो पानी फर्श पर फेंका जिसकी वजह से किंजल फिसल गई और रस्सी लाने में वो दूसरे नंबर पर हुई। तो इसका साफ साफ यही मतलब होता है टीम ए की सदस्य राशि ने बेईमानी की है और इसलिए मैं विजेता घोषित करती हूं टीम बी को। राशि विक्रम, ये सब करने की क्या जरूरत थी? हम तो जीत ही रहे थे। कोकिला बेन ने जो खेल खिलाया वो अच्छा था, पर किटी पार्टी जैसी चीज चौल में तो जमी नहीं। राशि की करतूत देखी
भले ही शादी मोदी परिवार में हुई है लेकिन अभी तक उसकी आदतें गई नहीं है। सभी चाल वाली औरतों की ना ऐसी ही होती है। गवार, एक करोड़पति औरत, गवार किसको बोला तूने? चौल में तुम ही रहती हो ना, तो तुमको बीजो कौन है? अरे वाह सेठानी, हमारे चौल में आके तो हमें गवार बोलती है। रुक मैं तुझे दिखाती हूँ। क्या दिखाएगी तू मुझे? क्या दिखाएगी? देखिए कृपया आप लोग शांत हो जाइए। क्या है तुम्हें? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? भगवान ने आंखें नहीं दी है? क्या बोला? आंखें नहीं दी मतलब तूने मुझे अंधे बोला? ए राशि, तू भी इसी चौल में रह के बड़ी हुई है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, पर पैसे के खाने से तेरा दिमाग खराब कर दिया है। ए, मेरे घर के पैसों का नजर मत लगा वरना मैं। वरना क्या? बोल बोल। भाभी मेहरबानी करके मत झगड़िए, राशिबेन चुप हो जाइए। मेहरबानी करके शांत हो जाइए, मत लड़िए। अरे शांत हो जाइए। बंद कीजिए ये लड़ाई झगड़ा। जी कृपया शांत हो जाइए, हाथापाई मत कीजिए। मैं राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, उसका सम्मान करते हैं और आप लोग की है आपसी झगड़े में अपनी देश की मान शान सम्मान सब कुछ भूल गई। आप लोग तो उम्र में बड़ी हैं, अगर आप लोग इस तरह की हरकतें करेंगी तो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगी? बताइए, जवाब दीजिए। गोपी दीक्षा, हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें इस तरह से बहस नहीं करनी चाहिए थी, माफ कर दो। विजेता कोई भी टीम हो पर झंडा वंदन करने का अधिकार ऐसे व्यक्ति को नहीं है जो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान ना कर सके। गोपी वो मीरा और बाकी बच्चों को यहाँ लेकर आओ और उन्हीं के हस्त हम झंडा रोहन करवाएंगे। जी माँ जी। मीरा, ये देखो ये राखी, कल मीरा अपने भाई तोलू और मोलू को राखी बांधेगी, है ना? भाई, भाई। हाँ, तोलू मोलू तुम्हारे भाई है। हाँ गिंजल। जय श्री कृष्ण एम भाई। भाई आपको याद है ना कि कल क्या है? हाँ किंजल, मुझे पता है कि कल राखी है और मैं और जिगर यही सोच रहे कि तुझे इस बार राखी पे क्या दे। भाई जिस प्रॉब्लम को लेके आप इतने परेशान हैं, अगर आप कहें तो मैं उसे ऐसे सॉल्व कर सकती हूँ। मुझे कल कोई स्पेशल सा गिफ्ट चाहिए। स्पेशल गिफ्ट? अहम भाई, मुझे डायमंड नेकलेस सेट चाहिए। मैं आपको
को और जिगर भाई को अपने फेवरेट नेकलेस सेट की पिक्चर भेज देती हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। ठीक, तुझे इस बार तेरा नेकलेस मिल जाएगा। थैंक यू, जय श्री कृष्ण भाई। भाई आपको पता है, अहम भाई और जिगर भाई मुझे रक्षाबंधन पर डायमंड नेकलेस का सेट दे रहे हैं। हाँ, तो एमा शु मोटी बात छे। हाँ, हर रक्षाबंधन पे बहनों को कुछ न कुछ तोहफा मिलता ही है। हाँ, पर आपको कौन गिफ्ट देगा? हाँ? वैसे भी इस बार रक्षाबंधन पर आपको मधु आंटी को कुछ गिफ्ट देना होगा। इस छोटी कंगड़ी को तो कल तोहफे में हीरो का हार मिलेगा। मारे पण कई एवं करव पड़े कि मुझे इस छोटी कागड़ी से बढ़ के तोहफा मिले, पर कैसे? ये देखिए माँ, देखिए, उसे तो अपने पसंद के नेकलेस की फोटो भी भेज दी। बहुत सुंदर है। हाँ जिगर, मुझे भी आया। जिगर, कल हमें सबसे पहले किंजल के लिए नेकलेस खरीदना है। जीजू, लेकिन डायमंड नेकलेस तो बहुत बहुत महंगा मिलता है, और अगर उसे कभी बेचने भी जाओ ना तो उसका मोल काफी कम मिलता है। पर आशी, ये हमारी किंजल की पसंद है, उसने डायमंड सेट पसंद किया है, तो बस हम उसे वही देंगे। एक मिनट जिगर, अहम राशि का कहना बिल्कुल उचित है। यदि जरूरत पड़ने पर वो उपहार काम में ना आए तो ऐसा उपहार देने से कोई लाभ नहीं है। हाँ मॉम, लेकिन किंजल ने सामने से चीज खुद मांगी है, तो इतना सोचना क्या? अहम, किंजल को रक्षाबंधन के शुभ पर्व पर क्या उपहार दिया जाए, इस पर हम कल सोचेंगे। सूरज आज पश्चिम से निकला है। कागड़ी ने मुझे सपोर्ट किया, अब तो किंजल का डायमंड नेकलेस मिलने से रहा। पर अब मुझे धवल भाई से कोई जोरदार गिफ्ट तो जरूर लेना पड़ेगा। हेलो गोपी बहन। जय श्री कृष्णा धवल भाई। जय श्री कृष्णा गोपी बहन। धवल भाई, मैं आपको ही याद कर रही थी। गोपी बहन, आपको ये कहने के लिए फोन किया है कि कल सुबह आप तैयार रहिएगा, मैं अपनी दोनों बहनों को लेने आऊंगा, और फिर हम साथ में जाकर अच्छी सी डिजाइनर साड़ी पसंद करेंगे, मेरी दोनों बहनों का राखी का गिफ्ट। पर धवल भाई, इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत क्यों नहीं है, पूरे साल में एक ही तो मौका मिलता है हम भाइयों को अपनी बहनों को थोड़ी सी खुशी देने का, अब वो भी आप मुझसे छीन लेंगी। गोपी बहन, एक बात और। राधा मेरी सबसे छोटी बहन है। जब हम लोग आप लोगों के लिए तोहफा लेंगे तो उसके लिए भी कुछ आप अच्छा सा मुझे दिलवा दीजिएगा। धवल भाई कितने भावुक हैं। अगर मैंने इनके सामने और नाना की तो इन्हें बहुत दुख होगा। हेलो गोपी बहन। ठीक है धवल भाई, हम तैयार रहेंगे। ठीक है गोपी बहन, कल मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। ये पैसे तो हरी भाई को वापस देने के लिए थे, पर अभी बहनों की राखी का तोहफा देना ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। राशि, तुम ये बताने का कष्ट करोगी कि तुमने रक्षाबंधन के लिए अपने धवल भाई के लिए क्या विशेष बनाया है? वो मैं राशि, एक काम करो बेटा, धवल कुमार को शीरा बहुत पसंद है, खूब सारा मेवा डाल के तुम वही बना दो।
हाँ हाँ राशि, रसोड़े की बची हुई साफ सफाई भी तुम कर देना और बिना काम खत्म किए कहीं चली मत जाना। उफ़ो, मैं किचन में आई ही क्यों? अब मैं ये काम किसके मत्थे मड़ू? हेलो, जय श्री कृष्ण राशि बहन। अगर आप गोपी बहन और राधा बहन तैयार हैं तो मुझे लगा हम लोग वक्त पे चले चलते हैं। धवल भाई, नहीं मैं नहीं आ पाऊंगी। वो क्या है ना, घर में बहुत सारे काम करने बाकी है और सबसे पहले मुझे शीरा बनाना है। कोई बात नहीं राशि बहन, मैं काम करता हूँ, गोपी बहन और राधा के साथ चला जाता हूँ। गोपी बहन आपकी मनपसंद साड़ी पसंद कर लेगी, ठीक है? अब नहीं नहीं धवल भाई, वो क्या है ना, अब वो दोनों भी बहुत बिजी है, उन्हें भी बहुत काम है। तो आप एक काम कीजिए, आप अपने पसंद की मेरे लिए कोई अच्छी साड़ी ले आई। देखिए मुझे आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है। ठीक है राशि बहन, मैं अपनी पसंद से आप लोगों के लिए साड़ियाँ ले आऊंगा। जय श्री कृष्ण। अगर मैं अपने पसंद की साड़ी नहीं खरीद सकती तो गोपी को भी कैसे खरीदने दूं? हवल जी, आप इतना हड़बड़ा के क्या ढूंढ रहे? किंजल जी, कल मैंने इस बैग में 20,000 रुपए रखे थे, पर अभी इसमें है ही नहीं। आपने कहीं देखे हैं क्या? नहीं धवल जी, मैंने तो नहीं देखे। आप सही से देखिए ना, यही कहीं रखे होंगे, कहाँ जा सकते हैं? किंजल जी आप भी देखिए, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे। मुझे पता है कि पैसे किसने लिए, आपकी फई ने। उनके अलावा ये काम और कौन कर सकता है? ठहरिए धवल जी, मैं अभी जाकर उनसे पूछती हूँ। किंजल जी नहीं, अभी इस मुद्दे पे फई से बात करना सही नहीं होगा। मधु आंटी और फूफा जी भी यहीं पर, अगर अभी बात करेंगे तो शायद फई को अच्छा ना लगे। रहने दीजिए। मुझे अपनी डिजाइनर साड़ी का बेसब्री से इंतजार है। अब राधा सुन। जी राशि बहन। राधा तू शीरा बनाने में मेरी मदद करेगी प्लीज? राशि बहन मुझे धवल भाई की राखी के लिए थाल भी तैयार करनी है और बहुत सारे काम है। आज तो बापूजी भी घर आने वाले हैं ना। देख, अगर तू शीरा बनाने में मेरी मदद करेगी तो मैं तेरे लिए वो विशेष व्रत रखूंगी जिसके निभाने से तुझे हेम जीजू जैसा पति मिल जाएगा। सच्ची? फिर तो मैं फटाफट शीरा बना देती हूँ। काकी जी मम्मी जी ना आ जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।